सब्सक्राइब कीजिए एमडीएम टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली गाइस, अगर आपके पास भी Realme 11 Pro या Pro Plus का डिवाइस है और उसके अंदर आपने Realme UI 5.0 एंड Android 14 का अपडेट कंप्लीट कर दिया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ Realme UI 5.0 एंड Android 14 का जो Realme ऑफिशियल डायलर है वो शेयर करने वाला हूँ, जिसको अगर आप भी अपने Realme 11 Pro एंड Pro Plus पर अप्लाई करते हो तो इनकमिंग कॉल के टाइम आप इजीली EDG लाइटिंग को अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो भी आपका ऑडियो कॉल पर वॉइस अनाउंसमेंट वाला प्रॉब्लम था, कॉलिंग अनाउंसमेंट, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब अगर आपको फ्यूचर में इसी वीडियो देखना हो तो, और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पे जरूर से प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लो, ये है मेरा Realme 11 Pro Plus। डोंट वरी, अगर आपके पास Realme 11 Pro है तो आप इजीली उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास Realme का कोई और डिवाइस है और उसके अंदर आपने Realme UI 5.0 एंड Android 14 का अपडेट कंप्लीट कर लिया है तो उसके ऊपर भी मैंने ऑफिशियल डायलर वाला एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ऑन करने अपने फोन का सेटिंग, फिर आप यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल पर आने के बाद जैसे आप EDG लाइटिंग पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर EDG लाइटिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑल्सो अप्लाई टू इनकमिंग कॉल का भी ऑप्शन आता है, यानी जब भी मेरे फोन पर किसी का इनकमिंग कॉल आएगा तो मुझे यहाँ पर EDG लाइटिंग शो हो जाएगा। इसी के साथ साथ जब भी आप किसी से ऑडियो कॉल पर बात करते हो और ऐसे में रिकॉर्डिंग को ऑन करते हो तो ऐसे में आपको यहाँ पर गूगल अनाउंसमेंट का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करना है तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन के अंदर ऑलरेडी दो दो डायलर इंस्टॉल है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो गूगल डायलर है उसमें ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो आपको गूगल डायलर को रिप्लेस करना पड़ेगा रियलमी का ऑफिशियल डायलर से। तो ये रहा मेरा गूगल डायलर और ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है रियलमी का ऑफिशियल डायलर। अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके एक बार डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको क्लिक करना है अपने फोन की सेटिंग, फिर आपको यहाँ पर आ जाना है एप्स। अब जैसे यहाँ पर एप्स पे आते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डिफॉल्ट ऐप। डिफॉल्ट ऐप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फोन ऐप पर क्लिक करने के बाद आपका बाय डिफॉल्ट पर हो जो होगा गूगल डायलर पर ही सिलेक्ट होगा, तो आप ऐसा को आपको अनसिलेक्ट करके जो आपने डाउनलोड किया था रियलमी का ऑफिशियल डायलर उस पर आपको सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट कर देने के बाद फाइनली आपको आ जाना है बैक। उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने गूगल डायलर को यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो ऐप इन्फो पे आके। डिसेबल करने के बाद होगा ये कि आपके फ़ोन से जो गूगल डायलर है वो बिल्कुल हट जाएगा, आपके फ़ोन पर कहीं पर भी आपको गूगल डायलर शो नहीं होगा। उसके बाद आपको ऑन करने अपने फ़ोन का रियलमी का ऑफिशियल डायलर जो आपने यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया था। उसके बाद उसके इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो ये सभी प्रोसेस करने के बाद आपको आ जाना है अपने फ़ोन का सेटिंग, फिर आपको यहाँ पर आ जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल। इतना करो फिर आपको यहाँ पर नीचे क्लिक कर देना EDG लाइटिंग। उसके बाद आपके फ़ोन पर इजीली यहाँ पर ऑल्सो अप्लाई टू इनकमिंग कॉल का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ऑल्सो अप्लाई टू इनकमिंग कॉल के टाइम EDG लाइटिंग चाहिए तो आप यहाँ से इसको भी अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ साथ कलर चेंज भी कर सकते हो, तीन टाइप का आपको कलर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ जब भी आप किसी से ऑडियो कॉल पर बात करते हो और ऐसे में जब भी आप रिकॉर्डिंग करते थे तो आपको गूगल डायलर के अंदर वॉइस अनाउंसमेंट वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता था, लेकिन इस डायलर को अप्लाई करने के बाद आपके फोन सर जब भी आप अपने फोन पर रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हो तो आपके फोन पर कहीं पर भी अनाउंसमेंट वाला प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, वो आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको Realme UI 5.0 एंड Android 14 का जो Realme का ऑफिशियल डायलर है वो Realme 11 Pro एंड Pro Plus के लिए शेयर कर दिया। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, तो वीडियो को कर दे लाइक, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर करो ताकि आपके एक शेयर से किसी का मदद हो जाए। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना, मिलता हूँ किसी और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।